आज किसान एकता संघ की बैठक उपजा प्रेस क्लब में हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज, और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है, ये अचानक जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं जिले के, उनको बुलवाया गया है। अभी एक आंवला के अंदर एक किसान का काम अटका हुआ था, बेचारे किसान की मां मर गई थी, उसे वहां के कानून को और संबंधित लेखपाल द्वारा परेशान किया जा रहा था। हम किसी दसवां में वहां पहुंचे गांव में, किसान ने बताया कि हमारे साथ ये परेशानी और ये मुश्किल आ रही है। हमने कानून को से बात की, लेखपाल से बात की, तो लेखपाल ने, जब वो किसान आंवला तहसील में पहुंचा अपना काम कराने के लिए कि मेरी माँ मर गई है, मेरे नाम उसकी जमीन की फौती करानी करा देनी चाहिए आपको, तो उसने हमारे लिए बड़े अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, बहुत बड़े नेता से फोन कराया आपने, ऐसे किसान नेता बहुत घूमते हैं, और भी कुछ कहा होगा जो उस किसान ने हमें नहीं बताया। साथियों, हमें बहुत बुरा लगा, अगर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ इस तरह की अभद्रता की जाएगी, इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो फिर इन किसानों की लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई डॉक्टर रवि नागर पैदा नहीं होगा। साथियों, इसलिए हमें दुख है, हमें रोष है, और सभी किसान एकता संघ के ये प्रमुख पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक वो लेखपाल अपने शब्दों को वापस नहीं लेगा और तहसील प्रशासन उस लेखपाल को उस सर्किल से बाहर नहीं करेगा, और जो जायज काम है उस किसान का कि उसकी माँ मर गई, उसकी जमीन पर उसका नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसा हमें महसूस होता है कि जो लेखपाल और कानून गो और तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार करता है, शायद वो किसान वो पैसे उनको देने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उनकी माँ का नाम, माँ के नाम की जगह पर उन बच्चों का नाम शायद नहीं चढ़ाया जा रहा है। जब तक उनका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, हम कल हमने निर्णय लिया है, SDM आंवला को हम एक ज्ञापन देंगे कि 4 दिन के अंदर अंदर वो लेखपाल अपने शब्द वापिस ले और उसको उस सर्किल से अलग किया जाए, और उस किसान का नाम उन अभिलेखों में दर्ज किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया, 4 दिन का टाइम देंगे, तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना आंवला SDM के ऑफिस के सामने साथियों होगा, और तब भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और तभी तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात को ये प्रशासन नहीं मानेगा। लेकिन हम किसी भी कीमत पर अलग पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इस मान सम्मान की लड़ाई को जिला बरेली का किसान जीत कर रहेगा। आज हम इसलिए साथियों यहां पर बैठे हैं, और सभी ने ये निर्णय लिया है। क्या नाम है लेखपाल का, कौन सी तहसील है? आंवला तहसील, और गांव का नाम क्या है? चांदपुर याकूबपुर का लेखपाल है, आंवला तहसील का है, और आनंद करके उसका नाम है, परुल आनंद उसका लेखपाल का नाम है। और साथियों, खाली उस अकेले लेखपाल की बात नहीं, आंवला के अंदर इतना ज्यादा तहसील के अंदर भ्रष्टाचार है, किसान से इतना ज्यादा अपमानित किया जाता है, और किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए बगैर पैसे देकर वह किसी किसान का काम होता नहीं। कार्रवाई के लिए आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद अगर इतने से भी प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुना, धरना देने जाकर हम लौटने वाले नहीं है, अनिश्चितकालीन धरना होगा, उसके बाद आंदोलन को क्रमवार बढ़ाया जाएगा, अनशन पे आएंगे, भूख हड़ताल पर आएंगे, और फिर भी अगर नहीं माना प्रशासन बरेली जिले का, तो प्रत्येक उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर किसान एकता संघ जहां जहां है,
वहां जिले पर प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और भूख हड़ताल पर बैठेगा साथियों, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए।